नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे इफ़ एंड और फंक्शन। एक सीट दिया हुआ है जिसमें प्रेजेंट डे और स्टूडेंट के मार्क्स दिए, पास या फेल जानने के लिए इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू इफ़, इसके बाद ब्रैकेट में हम लॉजिकल टेस्ट देंगे, मीन्स ग्रेटर, इक्वल, लेस देन, ऐसा कोई रिलेशन देंगे। इधर D8 ग्रेटर देन 35, सॉरी, इस कंडीशन से हिसाब से इफ कंडीशन इज ट्रू देन राइट पास, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में पास लिखेंगे। अदरवाइज राइट फेल देन ब्रैकेट क्लोज। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट हम इफ फंक्शन इज इक्वल टू, इधर से भी इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम 65 से ज़्यादा मार्क्स हो उस स्टूडेंट के सामने बेस्ट लिखना चाहते हैं, तो हमने बेस्ट लिख दिया है ट्रू वैल्यू में। ओके, अगर हम ब्लैंक छोड़ेंगे दूसरा टेस्ट वैल्यू तो ऑटोमेटिकली फॉल्स लिखा जाएगा, पर हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा करके ब्लैंक छोड़ देंगे तो वहाँ पे उस सेल में ब्लैंक आ जाएगा। नाउ 35 से ज़्यादा और 65 से कम जिसके मार्क हो उसके सामने हम एवरेज लिखना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू इफ़, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर एंड फंक्शन डालेंगे, देन दो लॉजिकल टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। D8 इज ग्रेटर देन 35 एंड सेकंड वन इज D8 इज लेस देन 65, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा में एवरेज लिखेंगे, एल्स में हम ब्लैंक रख के छोड़ देंगे, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट कंडीशन में जिसकी प्रेजेंट 80 से ज़्यादा और 50 से कम हो उसके सामने हम मार्क लिखना चाहते हैं, अदरवाइज ओके। इसके लिए हम और फंक्शन का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू इफ़, उसके अंदर और लिखेंगे और उसी तरीके से दो लॉजिकल टेस्ट होंगे, एक ग्रेटर देन और दूसरा लेस देन। देन लॉजिकल टेस्ट इज इफ़ ट्रू देन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम मार्क, अगर फॉल्स होगा तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम ओके, देन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अगर आप इस तरीके का सिंबल लाना चाहते हो तो हम इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल पर क्लिक करेंगे और दोनों सिंबल वन बाय वन इंसर्ट करेंगे। इस कंडीशन में हम 35 से ज़्यादा हो उसके लिए अप, अदरवाइज डाउनवर्ड सिंबल लाना चाहते हैं। इफ की कंडीशन डालेंगे, पहला लॉजिकल टेस्ट होगा ग्रेटर देन 35, ट्रू के लिए हम सिंबल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉल्स के लिए हम सिंबल सिलेक्ट करेंगे। दोनों सेल हम फिक्स कर देंगे डॉलर के सिंबल की मदद से। अगर आपको एक्सेल में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।